तो उन सब के लिए ये वीडियो है, पहले बता दूं आप आ सकते हैं राजू भाई के पास में। आयो आप समझ चुके होंगे आज पाजी आए हैं तो पाजी के साथ जो तो राजू भाई का काम एक नंबर है। दूसरा मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे दोस्त भी बहुत खुश है। मुझे नहीं पता था कि ये एक्सेसरी जो अभी ये बता रहे हैं कि इसके लिए मार्केट में अवेलेबल भी है, तो ये बहुत अच्छी बात है। सब कुछ लेने के लिए हम एक ही शॉप पे हैं राजू भाई की, इसलिए आज तो सजेशन तो देखो भैया का चलेगा, मैं तो सिर्फ करने वाला हूँ इसके अंदर। देखो हम गेस्ट की तरह आए, अब फैमिली बन के जा रहे हैं, तो सीधी बात है। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूं आपका अपना राजू भाई और आज हमारे साथ है हमारे जेएस पाजी। हाँ जी भाई लोग, क्या हाल चाल, सत श्री अकाल। तो आयो आप समझ चुके होंगे आज पाजी आए हैं तो पाजी के साथ जो आए हैं, एक तो ये बाइक से जो कि जिससे मोटिवेट देंगे अलग आपको, और सेम दिखाएंगे आपको दूसरी बाइक की, ये अपनी रॉयल एनफील्ड हिमालयन 400 जिसके आपने हमारी बहुत सारी वीडियोस देखी होगी। इसके अंदर बहुत कुछ लोड करने वाले हैं पाजी, जैसे जैसे हम हुक्म करते रहेंगे वो उसके अंदर करते रहेंगे 100% भाई। तो अब ये ध्यान में प्यार बनाए रहिए पाजी पर भी और हम पे भी थोड़ा बहुत, आप लोगों का प्यार जरूर चाहिए। बट मैं ये बोलना चाहूंगा, देखो ये तो इंडिया फर्स्ट हार्ले डेविडसन 140 है, मुझे नहीं पता था कि ये एक्सेसरी जो अभी ये बता रहे हैं कि इसके लिए मार्केट में अवेलेबल भी है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ राजू भाई के पास में ये सारी एक्सेसरीज अवेलेबल है। दूसरी चीज है, अपनी वर्ल्ड फेमस नीलिमा भी यहाँ आई है, तो ऑब्वियसली इसको भी थोड़ा सा पैम्पर करेंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोगों को जब पता लगेगा कि हम ऑलरेडी ट्रिप पे जा रहे हैं, तो वन स्टॉप सॉल्यूशन था कि जो भी हमें चाहिए, जैसे माउंट चाहिए मोबाइल के, हमें एसेसरीज चाहिए, बैगेज सॉल्यूशन चाहिए, सब कुछ लेने के लिए हम एक ही शॉप पे हैं राजू भाई की। इसलिए आज ये जो पीछे आप हिमालयन देख रहे हो ना, ये पहली चीज़ है, शोरूम से निकलते PPF हमने करवा दिया था। दूसरी चीज़ है, ये दूसरी दुकान है जहाँ पे बाइक चढ़ी है, क्योंकि अब इसके अंदर मैं लोड होंगी एसेसरीज, जो भी एसेंशियल है जो हमारे रोड ट्रिप को आसान बनाएंगी और बाइक को कम डैमेज करेगी, तो मतलब सेफ्टी भी प्रोवाइड करेंगी, कम्फर्ट भी राइडर को, तो सब कुछ जो राजू भैया सजेस्ट करेंगे ना हम लोग इंस्टॉल कराएंगे यहीं पे। तो सजेशन तो देखो भैया का चलेगा, मैं तो सिर्फ करने वाला हूँ इसके अंदर, क्योंकि जो भी होने से बहुत बड़ा धमाका है इसका। नहीं नहीं ऐसा ना राजू भाई, देखो आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, डेफिनेटली इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, तो मेरे को लगता है कि अभी फेजेस में काम करेंगे। तो फेज वन में जो एसेंशियल है सिर्फ आज वो लोड कराएंगे, क्योंकि टाइम भी शॉर्ट है, हम लोग हाफ डे में आ रहे हैं, ऑलरेडी 5:30 हो गए हैं। सो डेफिनेटली जो मोस्ट एसेंशियल है वो आज कराएंगे, बट आने वाले दिनों में आप देखेंगे हम दोबारा आएंगे, कुछ और अगर काम पेंडिंग रह गया तो वो भी यहीं से करवाएंगे। जरूरी नहीं यही बाइक है, और भी कोई बाइक भैया लेके आएंगे तो वो भी बाइक होने वाली है। 100% जी, मैं शायद ही ऐसा मतलब बंदा हूँ दिल्ली में, एक तो डेली वो सुपर बाइक चलाता हूँ मैं, लोग चलाते हैं संडे को सैटरडे को, दूसरा है कि साल में 4 या 5 बाइकें लेता हूँ, तो जरूर से ये मौका तो मिलने वाला है आपको ऑलरेडी। तो कोई ना कोई बाइक तो ऐसी होगी जो आपके पास दोबारा आके फिर से लोड होने वाली है पूरी की पूरी। बिल्कुल डेफिनेटली, हम भी उस चीज़ का वेट करेंगे बेसब्री से कि भैया कब न्यू बाइक लॉन्च होती है, कब न्यू बाइक लेते हैं और कब हमारे पास लेके आते हैं और हम उसे करते हैं फुल लोड, क्योंकि हमारी ज़्यादातर मैक्सिमम वीडियोज़ आपने देखी होंगी फुल लोड वाली हम करते हैं ज़्यादातर फुल लोड। नहीं हमने भी सोशल मीडिया पर भी पहले देखा था, फिर एक दिन हम मार्केट घूम रहे थे, फिर राजू भाई मिल गए हमको, तब पता लगा कि यार जहाँ हम लोग आते हैं, देखो पास में बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ हम लोग रेगुलर आते हैं, कभी हम आते हैं कुछ लाइट लगवाने, कभी मैं गाड़ी का काम करवाना आता हूँ कार मार्केट में, सो बिल्कुल नियर बाय है और वन स्टॉप सॉल्यूशन, तो भाई इधर उधर धक्के क्यों खाने हैं ना भाई, सीधा एक ही जगह आए और बोला ये चाहिए, जो मिल गया शॉप से बहुत अच्छा है, जो नहीं हुआ इन्होंने 10 मिनट आधे घंटे में अरेंज कर देना है। बिल्कुल बिल्कुल, और बाकी अब करते हैं इसके अंदर मॉडिफिकेशन, फिर आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या। बट राजू भाई एक और इम्पोर्टेंट, देखो जितनी इम्पोर्टेंट बाइक होती है, व्हीकल होता है, उससे इम्पोर्टेंट होता है राइडर, तो भाई यहाँ जिनकी बाइक है उनको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। राइडिंग विद पीस सैम अगेन, लाइक अ दिग्गज यूट्यूबर कह सकते हैं भैया, ट्रैवलिंग में और जो हमारी कैंपिंग है ना उसमें पायनियर है और बहुत अमेजिंग हार्ड कोर वाली कैंपिंग करते हैं, तो इसके साथ भी कुछ ट्रैवल प्लान के ऐसा है ना कैंपिंग वैम्पिंग का, उसके बारे में थोड़ा सा भाई बिल्कुल डिटेल में बताइए थोड़ा सा, अच्छा रहेगा। तो जब पहली हिमालयन आई थी BS4 वर्जन तो मैंने ली थी, उसको इस तरीके से मैंने मॉडिफाइड किया था कि मेरा कैंपिंग का सेटअप, मेरा स्लीपिंग का सेटअप, मेरा खाने का सेटअप वो सारा बाइक के अंदर इंस्टॉल, और साथ ही साथ राइडिंग के टूल भी यू नो पंचर भी हो जाए तो भी मैं उसमें कैरी कर सकूँ, तो कुछ उससे अपग्रेडेड वर्जन ये अभी आया है, तो मैंने सोचा कि अपकमिंग डेज में उससे अपग्रेडेड वर्क करेंगे सेम सेटअप के साथ। सो ये जो बाइक है ना मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी को लोड करनी है और जो भी एसेंशियल चीजें हैं वो डलवानी है ना, क्योंकि इसकी बाइक देखने के बाद जो लोग हैं जो ट्रैवल इंडस्ट्री में हैं या जो कैंपिंग करते हैं ना उनको आइडिया आना चाहिए कि यार हाँ ऐसे कैंपिंग के लिए ये सेटअप किया है, टेंट लगा लेता है, सामान सारा पोर्टेबल करके एक ही बाइक पे सोलो ट्रैवल कर लेता है, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सोलो ट्रैवलर्स इंडिया में ऑलरेडी बहुत कम है, बहुत जिगरा चाहिए। ब्रो अपना चैनल का नाम बता दो हमारे व्यूअर को कि आपका चैनल का नाम क्या एक्जेक्टली, जिससे कि वो भी आपको जल्दी से फॉलो और सब्सक्राइब कर सके। मेरे चैनल का नाम है राइडिंग विद पीस, राइडिंग विद पीस को सब्सक्राइब करने का है, और राजू भाई को राइडिंग विद पीस को करो साथ में जेएस फिल्म, जो कि आपको पता ही है
इसको भी जिन्होंने नहीं किया वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हम्बल करके उसको भी सबसे पहले कर ले और फिर एंड में बटन दबा दे मेरा भी जो कि राजू भाई एसकेडी के नाम से। चलो भाई ऐसा है सुबह हुई शाम हुई हमारी जिंदगी हुई तमाम हुई बट बाइकों का बढ़िया हो गया काम मतलब बोले तो यहाँ पे एक्सपोर्ट 40 है जो हम जाल लेके जा रहे हैं नेपाल बढ़िया यहाँ पे काम हो चुका है मतलब फुल सेटिस्फेक्शन है मतलब हम लोग एक देसी काम सोच रहे थे कि जुगाड़ करेंगे बट एक्चुअल में ग्रैब रेल हटा के जो बैकरेट्स लगा है उसके बाद ये जो सैडल्स रेल लगा है बहुत खूबसूरती से और क्लीनिनेस से और साथ में बोलूंगा एक फुल सेटिस्फेक्शन मिला बहुत जल्दी काम हुआ है। तो राजू भाई का काम एक नंबर है। दूसरा मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे दोस्त भी बहुत खुश है सबको यहाँ एक अमेजिंग हॉस्पिटैलिटी मिली है और एक ट्रस्ट जनरेट हुआ है क्योंकि प्रोडक्ट अमेजिंग है प्रोडक्ट लगाने वाले अमेजिंग है प्रोडक्ट बेचने वाले अमेजिंग है राजू भाई। तो सब कुछ देखो जेएस पाजी हमारे पास आए हैं हमारी गुडनेस है जो हम पे इतना ट्रस्ट किया उन्होंने हमारे पास आने को क्योंकि जल्दी से क्या होता है जो बाइक लवर होते हैं ना वो जल्दी से हर किसी शॉप पर चढ़ते नहीं है बिकॉज ट्रस्ट इशू होते हैं। यहाँ मैं बोल दूँ यू आर राइट बट देखो मैं बहुत बड़ी मार्केट है करोलबाग बचपन से आ रहा हूँ बहुत सारे लोगों को ना ये डाउट रहता है कि करोलबाग में कहाँ पे सही वन स्टॉप सॉल्यूशन सामान मिलेगा क्योंकि अभी क्या है देखो ट्रेवल सीजन आएगा आगे के लद्दाख स्पीति साउथ से बहुत सारा जो ऑडियंस आता है बहुत सारे राइडर इधर को आता है ना कहीं ना कहीं रास्ते में उनका कोई चीज़ खराब हो जाता है कोई चीज़ घर पे भूल जाते हैं या पहले ही घर से सोच के चलते हैं कि यार दिल्ली जाएंगे तो वो वहाँ से ले लेंगे करोलबाग से क्योंकि एक हब है तो उन सब के लिए ये वीडियो है पहले बता दूँ आप आ सकते हैं राजू भाई के पास में अमेजिंग है मैं जेनरली बता रहा हूँ आज दिल से इन्होंने काम किया बाइक्स पे मैं फुल्ली सेटिस्फाई हो जा रहा हूँ इसीलिए आज इस वीडियो में मैं ये बात खुद से बोल रहा हूँ कि आप आइए ट्रस्ट कीजिए बंदे भी बहुत अच्छे हैं रेट भी बहुत जेनुइन है सामान बहुत अच्छा है फिटमेंट करने वाले लोग बहुत अच्छे हैं और जितने में आपका यहाँ पे काम हो रहा होगा ना आपका एंटरटेनमेंट भी करेंगे आपको इंटरेक्ट भी करेंगे बातों में भी लगाएंगे अच्छा खिलाएंगे भी और बढ़िया पिलाएंगे भी क्योंकि खातिरदारी देखो फील होती है ना देखो हम गेस्ट की तरह आए आप फैमिली बन के जा रहे हैं तो सीधी बात है तो जो भी यहाँ आएगा आप एज्यूम कर लेना आपको एक वार्म वेलकम मिलेगा ना कि यहाँ एक एटीट्यूड मिलेगा कि करोलबाग है आपकी बात नहीं सुनी जाएगी या इनके पास बात करने का टाइम नहीं होगा। डेफिनेटली आपका जो क्वेरी है वो समझेंगे और 20-25 साल का इनको एक्सपीरियंस है इस फील्ड में जिसकी हेल्प से आपकी जो भी रग है जो भी आपको मतलब प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए ना वो यहीं मिलेगा आपको। और आप मैं बताया तो इसके अंदर बेसिकली जो काम हुआ है ये तो टॉप टॉप बैकरेस्ट है जो कि इसके इंस्टॉल करेंगे जो कि लुक देखो काफी ब्यूटीफुल हो गया बहुत ब्यूटीफुल हो गया पर्पल सॉल्व हो गया और लुक बहुत ब्यूटीफुल हो गया अगर कोई पीछे बैठेगा ना वो भी एंजॉय करेगा बैकरेस्ट बिल्कुल बिल्कुल जो ये सैडल स्टे ना ये सैडल स्टे इंस्टॉल किए गए हैं इस सैडल स्टे की जो सबसे ज्यादा स्पेशलिटी वो ये है कि इसमें ना ये देख सकते हैं फुटरेस्ट ये फुटरेस्ट रिमूवल है क्योंकि कभी भी इनकेस अगर आपको किसी को टॉप बॉक्स या पैनियर वगैरह कुछ भी लगाना ना आपको या सैडल बैग वगैरह भी लगाना तो आप बड़े लगाने तो ये रिमूव हो जाएंगे इजीली और आप नॉर्मल भी इसको यूज कर सकते हो। जो एक चीज और बोलूंगा देखो मेरे को अभी तक नहीं पता था कि मार्केट में आफ्टर मार्केट किसी के पास में सैडल्स के हमने जुगाड़ से बना रखा था वो जुगाड़ वहां पड़ा है मैं एक बार दिखाना चाहूंगा ठीक है। तो कुछ ऐसा जुगाड़ हमने पहले बनाया हुआ था आप खुद देख लो ये हमारा बनाया हुआ था और ये आफ्टर मार्केट है तो मतलब एक रेडीमेड सॉल्यूशन हमें यहाँ पे मिल गया तो इस बात की बहुत सेटिस्फेक्शन है कि मैंने पहले ये जुगाड़ किया था मैं सोच रहा था इसको भी जुगाड़ से बनाएंगे बट यहाँ पे कहते हैं ना कट टू बोल्ट फिटमेंट हुई है बहुत ही बढ़िया। और एक चीज और बता देता हूँ कि जो जितने भी आपके पार्ट्स होते हैं ना मेटल वाले लोहे वाले या लेजर कटिंग वाले इसमें 90% जो होता है ना हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। वाओ 90% ये नहीं मुझे पता था ये भी आपने बनाया ये हमारे क्या पता नहीं था लाइक क्रैश गार्ड है इसका वो भी अवेलेबल है वो भी हमारे खुद के बनते हैं नहीं पक्का है आप ना बस एक ही बार बुला रहे हो मुझे लग रहा है अगली बार नहीं बुलाओगे इसलिए ना मैंने सारा काम आज कराया नहीं है इसी बहाने से मैं अगली बार दोबारा आऊंगा कुछ और काम। चलो बाकी आपको बताइए और अगली वीडियो के अंदर और क्या क्या होने वाला और बाइक के अंदर क्या और सबसे मेन बात हमारे ना छोटी बाइक हो छोटी स्कूटी हो बड़ी बाइक हो सबका आपको काम मिलने वाला है आपको हमारी शॉप पर जो कि मिलते हैं दिल्ली करोलबाग नाइवलैंड के अंदर हमारी जो शॉप है वो है आपकी आर एस माल रोड पर जो कि मिलेगी आपको द न्यू साउथ होटल के अपोजिट। तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले राजू भाई एस के डी को जे एस फिल्म्स को तो पहले करें क्योंकि ये एक वो है जो हर किसी को मोटिवेट करते हैं जैसे कि इनसे आज मुझे थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिली कि मैं इनके सामने इतना बोल पा रहा हूँ वरना आप समझ सकते हो कि कहाँ पर चलो देखो हीरो भाई ये है क्योंकि ट्रेवल का मेन जो पर्पस था इसमें तो फिर भी थोड़ा बहुत सामान लगा था ये आज स्क्रैच से रेडी हुई है मतलब ग्राउंड लेवल से बेस से ऊपर तक फुल टॉप नॉच रेडी हो चुकी है जो जो एसेंशियल्स है वो लग चुके हैं जो सेफ्टी फीचर्स है वो लग चुके हैं मुझे तो एक्चुअल में ये वाला नकल गार्ड का इतना अच्छा लग रहा है कि डेफिनेटली मैं प्लान करूंगा मेरे पास एक और बाइक है उसमें फिट हो सकता है उसके लिए भी आऊंगा मैं
एंड डेफिनेटली एक चीज और है यहाँ पे, ये बहुत जरूरी रहता है कि जेरी कैन जब मैं बूसा साथ लेके जा रहा हूँ मुझे कहीं ना कहीं पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी, और ये मेरी असिस्टेंट कार है, असिस्टेंट बाइक्स है बेसिकली, तो यहाँ पे ये जब लग जाएगा ना, एक तो बाइक की लुक भी बढ़ा रहा है और दूसरा बहुत बड़ा पर्पज सॉल्व कर रहा है, जब इसके अंदर फ्यूल रहेगा ना और वो जो लीक नहीं होगा मेरे को बहुत मेंटल पीस देगा, क्योंकि बहुत ही रगेड है, बहुत प्यारी चीज़ है। तो वीडियो लंबा ऑलरेडी हो चुका है, मेरी वीडियो ज़्यादातर लंबी होती है वैसे तो, और ये लंबी होना लाजमी था क्योंकि मैं इतना बोलता हूँ ना, क्योंकि नहीं अच्छी बात है, ऑडियंस को अच्छा लगता है इंटरेक्ट करना, जिससे आपका इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, जिसके साथ आप ज़्यादा समय बिताएंगे ना, प्यार मोहब्बत भी वहीं ज़्यादा बढ़ता है। सही बात है, तो आप समझ चुके हो, सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए, आपको जो एड्रेस है सब कुछ बता दिया मैंने आपको, और ये भी पता करना, और स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप कांटेक्ट करके भी ऐसा, लोकेशन आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो मिलते हैं फिर जो नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए चलो भाई अब वीडियो क्लोज करेंगे हमारे स्टाइल में, मेहनत हमारी रहमत उसकी, और प्यार आप सभी का, कीप लविंग जीएस फिल्म, कीप लविंग राजू भाई एसकेडी व्लॉग्स, एंड मेहनत करते रहो, प्यार करते रहो और खुशियां बांटते रहो, जल्दी मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ, अंटिल देन साइनिंग ऑफ जेसन विद राजू भाई, बाय बाय।